चार दिन हो गया मर के, तो कितना सुंदर खुशबू आएगा ना कैसे लगता है चार दिन का अगर छोड़ा मर गया कैसे लगेगा? आप जब तक उस चूहे को अपने घर से बाहर नहीं निकालते ना, तब तक आप खाना नहीं खा सकते, इतना बदबू मारता है। और चूहा इतना सही रहता है, अब वो इतना बड़ा आदमी, 6 फुट का आदमी, वो 4 दिन से मर गया, कितना भयंकर स्थिति रहेगा वहां पर। यीशु बोलते पत्थर फटा, और लोग बोलते क्या हो गया यीशु, मिनिस्ट्री से आने के बाद कुछ हो गया शायद आपको, इतना बदबू मारेगा। बोलते मैंने जो कहा उतना ही करो, कहा ना पत्थर हटाओ, बस पत्थर हटाओ। अब यीशु वहां पर लंबी छोटी प्रार्थना नहीं कर रहे, यीशु कहते आसमान की तरफ देखते हैं और कहते कि पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना हमेशा सुन रहा है, हमेशा सुन रहा है, थैंक यू। वो थोड़ी सी प्रार्थना, लाजरस बोलते लाजरस बाहर आ, लाजरस के पास वक्त नहीं रहता है वो सब कफन वगैरह निकालने का, उसने सुना आवाज वो तुरंत भाग के आता है। मतलब परिस्थिति को चेंज करने के लिए यीशु को वक्त नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वो पुत्र की मानसिकता में, वो जानते कि पिता हमेशा साथ में है, बड़ी स्थिति रहे छोटी स्थिति रहे तुरंत सुनता है, ये मेंटालिटी है, मानसिकता है। तो बड़े चमत्कार के लिए बड़े प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बड़े चमत्कार के लिए विश्वास की प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना क्या मालूम मिलेगी, यीशु आप कर सकते हो, विश्वास मतलब हो जाएगा प्रभु कर देंगे, प्रभु मुझे मालूम है कि अब तक आपने संभाल, इस टाइम भी संभालो, या कोई टेंशन नहीं, तो आप करोगे, ये विश्वास की प्रार्थना। लोग डर से प्रार्थना करते हैं, यीशु रक्त जय बिना डर के मारे बोलते हैं, जैसे चल रहे कहीं से पूरा अंधेरा हो गया डर लगा भूत तो नहीं, यीशु रक्त जी, यीशु रक्त जय काम नहीं करेगा, क्योंकि आप डर के मारे बोल रहे हैं, विश्वास एक बार बोले यीशु रक्त जय काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, वो मेरा डर के मारे सब करता है, और इसलिए कई बार उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। बड़ी सबसे बड़े बड़ा चमत्कार है लोगों के लिए लाजरस का, 4 दिन से बंदा सड़ गया है, डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके शब्द में इतना सामर्थ्य है ना, बाइबल कहता है कि जब उसका कफन खोला गया वो सड़ा नहीं था, बास नहीं आया, यीशु पर कफन खोलो तुम गलत फहमी में जी रहे हो कि वो सड़ गया, मेरा शब्द जब मैंने रिलीज किया मेरे शब्द ने उसको उसका जो सड़ा हुआ जो शरीर था ना उसको परिपूर्ण कर दिया, मैं कोई अधूरा काम नहीं करता। उसने कहा पिता मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते, पिता के ना वो बेटा जो है ना अपने पिता की मानसिकता में, पिता जो करेगा जरूर करेगा, हमें क्या करना, हमें पुत्र की मानसिकता में रहना, यीशु करेंगे हमारे साथ में। और जब आप पुत्र की मानसिकता में रहोगे ना, बड़े बड़े चीज बहुत आसानी से हो जाएंगे आपके लिए। और एक चमत्कार है, बहुत खूबसूरत चमत्कार है, मत्ती की किताब अध्याय 14 और वचन 19, उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। ठीक है, तो बाइबल कहता है कि यीशु काफी समय से सिखा रहे थे, यीशु ने कहा खाना दो, 5,000 पुरुष थे और बच्चे और स्त्रियों को छोड़कर केवल 5,000 पुरुष थे, बच्चे और स्त्री अगर ऐड करें तो 25,000 से 30,000 लोग वहां पर थे। अब देखो ना, स्त्रियां ज्यादा है पुरुष कम है, तो उस जमाने में वैसे ही हुआ था, वहां पर 5,000 पुरुष थे, बच्चे और स्त्रियों को पकड़ के लगभग 25,000 से 30,000 लोग, 5 रोटी और 2 मछली। हम होते तो बोलते हैं अभी खाना कैसे खिलाना है, चलो सब लोग मत ऐसी की प्रार्थना करो, जोर से चिल्ला चिल्ला के, उसने ऐसे नहीं, उसने कहा उठाया, उसने धन्यवाद, छोटी सी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बड़े काम को कर दिया। उसने लिया वो चीज, दिखाई नहीं दिया, जब उसने धन्यवाद किया ना दिखाई नहीं दिया कि वो चीज बढ़ गई, उसने प्रार्थना करने पर चीज बढ़ा नहीं, उसने प्रार्थना किया, उसने तोड़ा, अपने चेलों को दिया और चेले जैसे बांटने लगे चीज बढ़ने लगा, चले जैसे बांटने गए चीज बढ़ने लगा, उन्होंने अभी तो निकाला था वापस कैसे आ गए,
वापस निकल आते, ऐसे कैसे बढ़ गए? और इतना बढ़ गया कि सब खा के तृप्त हो गए, मतलब पूरा डकार लेने में खाए वो लोग, गले तक खाए होगा क्योंकि बहुत भूखे थे, आत्मिक तौर पर तृप्त थे, शारीरिक तौर पर भूखे थे, पूरा खा लिया। और इतने खाना खाने के बाद भी 12 टोकरी बच गया। प्रार्थना क्या था? धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। एक था कि आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हो, और एक था धन्यवाद, छोटी सी प्रार्थना लेकिन बड़े चमत्कार। आज हम काफी सारे बड़ी बड़ी प्रार्थना करें, बड़ा प्रार्थना करना गलत नहीं है। मेरा किताब है जहां पर मैंने सिखाया प्रार्थना की भूख के बारे में, और मैंने सिखाया कि लंबे समय तक कैसे हम प्रार्थना करें। लंबे समय तक आपको प्रार्थना करना है, अच्छी बात है। अगर आप एक बार बैठकर 8 घंटा प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है। ये दर्शन आप पिता से कितना प्यार करते हो, यीशु से कितना प्यार करते हो, आप कितने पवित्र आत्मा की संगति में दर्शन है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो यह दर्शाता है कि बड़े प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास की प्रार्थना की जरूरत है। और ये कब होगा मालूम है क्या? जब आप पुत्र की मानसिकता में आओगे, जब आप पाप के मानसिकता को अपने मानसिकता से दूर रखोगे, पुत्र की मानसिकता से जब आओगे, जब आप जानोगे कि यीशु आपके साथ में है। मैं बहुत सारे विषय सिखा सकता हूं यहां पर कि चमत्कार कैसे करना है, चमत्कार कैसे होते हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, लेकिन आपको बता दूं ये सबसे अच्छा विषय है और सबसे सामर्थ्यशाली विषय है। और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु जितने विषयों से प्यार करते हैं, यानी जो जो टॉपिक से प्यार करते हैं, उनमें से ये बेस्ट टॉपिक है कि हम उसके पुत्र के मानसिकता में। आप क्या कर रहे हो उस पर मत जाओ। आपके साथ आपने कौन सा गलत बात आपने कर लिया उसकी मेंटालिटी में मत आओ। शैतान आपको फंसाना चाहता है। उसने क्या किया मालूम है? हवा के पास जाकर बोला कि तुम अगर ये फल खाओगे तुम और बुद्धिमान हो जाओ, परमेश्वर जैसे हो जाएगा। ऑलरेडी वो लोग थे वैसे ही, वो बहुत बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनको फंसाया गया। शत्रु आकर हमेशा फंसाने का प्रयास करता है ताकि आप फंस जाओ, उसकी बातों में मत जाओ। परमेश्वर आपको शुद्ध देखता है, आपको पवित्र देखता है, आपको धर्मी देखता है। उसके मानसिकता में उसके बारे में सोचो, कल्पना करो, जैसा यीशु है वैसे ही आप लोग हैं। और यीशु कहता है कि तुम उससे बढ़ के काम कर सकते हो। एक एक और वचन पढ़ते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु धन्यवाद। प्रेरितों के काम अध्याय 3 चलने फिरने के योग बना। इसका मतलब कि हमारा सामर्थ और हमारी भक्ति किसी को चंगा नहीं कर सकती है। हम ज्यादा भक्ति करेंगे ताकि प्रभु हमारा इस्तेमाल करे, नहीं। भक्ति करो अच्छी बात है, सामर्थ से बोलो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन पतरस बोलते कि तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे, जैसे कि हमने इनको चंगा किया है। हमारा सामर्थ और हमारी भक्ति से ये चंगा नहीं हुए, बाबा हमारी तरफ मत देखो। ये था पहली सदी के जो प्रीचर्स थे, उनका जीवन शैली या उनका जो दृष्टिकोण था परमेश्वर का या सेवकाई का। अभी के सेवक ऐसे नहीं, अभी के सेवक ऐसे मामले भीड़ रहती है, प्रार्थना करते हैं और सबको क्या बोलते हैं, जो आजारी लोग कहा है देवागढ़ भगा, जो बीमार लोग हैं वो प्रभु के पास देखो, प्रभु तुमको चंगा करेगा, प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु वैसा बोलते हैं। और फिर जब परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है, बोलते हैं अभी गवाही का टाइम है, आ जाओ गवाही देने के लिए। सो वो गवाही देने के लिए आते हैं, और जैसे वो गवाही देने के लिए आते हैं, उनका असिस्टेंट रहता है, उनका असिस्टेंट बोलता है परमेश्वर के जन एपोस्टल प्रोफेट प्रभु के दास, देखो परमेश्वर ने इनके जिंदगी में काम किया है, जब आपने प्रार्थना किया देखो ये बंदा ठीक हो गया। फिर इसका कॉलर टाइट हो जाता है,
फिर बोलता देखो जब मैंने प्रार्थना किया, देखो प्रभु ने चमत्कार किया, हमारी सेवकाई में देखो ये हो गया, हमने जब प्रार्थना किया वो हो गया। पहले इससे क्या बोला मालूम है क्या, कि प्रभु के पास देखो, और जब प्रभु ने चमत्कार किया लोगों को बोला देखो हमारे पास देखो, वेलकम हमारा मिनिस्ट्री और बोले वैसे वैसे। ये लोगों ने क्या किया, जब वो लंगड़ा व्यक्ति उधर बैठा था भीख मांग रहा, तो उन्होंने बोला जब वो लंगड़ा की अवस्था, उन्होंने बोला हमारे पास देखो, पहले बोला हमारे पास देखो, और फिर जब बंदा ठीक होते बोला प्रभु के पास देखो, हमारे पास क्यों देखो। यहां पर अभी के जो सेवक उल्टे हैं, पहले जब लोग बीमार रहते बोलते प्रभु के पास देखो, जब ठीक हुए बोलते हमारे पास देखो, हमने तो ठीक किया तुमने। हमारे सामर्थ या हमारे भक्ति से कोई ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा पत्रस कहता है कि क्यों तुम हमारे पास देखो, जैसे कि हमने हमारे भक्ति से या सामर्थ्य से ठीक किया। तुमने जिसको क्रूस पर चढ़ाया है ना, जिस यीशु को, उसके नाम से ये हुआ है, उसने उनको ठीक किया, वहां पर उसने सुसमाचार सुनाना चालू किया। आप भक्ति करो बहुत अच्छा है, आप सामर्थ्य करो बहुत अच्छा है, लेकिन पुत्र की मानसिकता में रहो। आपके पुत्र की मानसिकता, जब आप परमेश्वर के पुत्र की मानसिकता में जब आप रहोगे, वो मानसिकता लोगों को चंगा करेगा कि यीशु मैं जानता हूं कि आप इन पर अनुग्रह करते हो, इन पर कृपा करते हो, वो चीज लोग जो बदलाव और परिवर्तन लेकर आए। हालेलुया। आप इसी प्रकार अपने कलीसिया को बढ़ा सकते हो, आप इसी प्रकार जब लोगों के घर पर जाओगे, जब आपको मालूम पड़ता है कि कोई व्यक्ति बीमार है, और जब प्रार्थना करते तो प्रभु जरूर आपका उपयोग और इस्तेमाल करेगा। एक लास्ट चीज कहता हूं, यीशु इतना अच्छा परमेश्वर था ना, वो कोई भी व्यक्ति हो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाता था। मतलब अगर तू मुझे फॉलो करेगा तो मैं तेरे को ठीक करूंगा, नहीं तो मैं तेरे को ठीक नहीं करूंगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते। जहां भी जाता था तू मेरे को फॉलो कर या मत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा स्वभाव है मैं तेरे को ठीक करूंगा ही। ऐसे कहीं नहीं लिखा कि जितने लोग ठीक हुए सब यीशु को फॉलो करने लगे, ऐसा नहीं लिखा गया। लेकिन यीशु का स्वभाव था, यीशु का प्यार था। 10 कोड़ी को उसने शुद्ध किया, 10 कोड़ी को उसने कहा जा, लोग ठीक हो गए, उसमें से एक ही रिटर्न आया। यीशु को सभी बाकी लोग ठीक नहीं हुए, उसने सबको ठीक किया। तो आप जब यीशु को जानते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, कोई भी व्यक्ति परेशान रहे, कोई व्यक्ति दुखित रहे, उन्हें गॉस्पेल सुना, उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आओ, वो नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना जो भलाई दिखाना बंद मत करो यार। उनको आपने 10 बार बुलाया वो आते ही नहीं चर्च में, अभी उनकी घर नहीं, अपना भलाई दिखाना बंद मत करो। आप जहां पर भी जा रहे हो, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, प्रार्थना करो उसके लिए, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा उसे चंगा करने के लिए, आमंत्रित करो। कोई दुखित है उनसे बातें करो, समाचार सुनाओ, नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु उनके जिंदगी में आज नहीं तो कल जरूर काम करेगा। ऐसे करते हुए आप कलीसिया को बढ़ा सकते हैं। पुत्र की मानसिकता में रहो और वो मानसिकता आपके जिंदगी में अच्छी और बड़ी गवाही को निर्माण करेगी। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे। ये है हमारी भक्ति, हमारा सामर्थ्य किसी को चंगा नहीं कर सकती है, लेकिन वो चंगा करने के योग्य है। भक्ति हमें करनी ही है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान दृष्टि करना। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे मत प्रार्थना करो कि आपका बड़ा आवाज, आपका छोटा आवाज, आपका झुक कर बात करना, आपके घुटने पर आकर उसके लिए प्रार्थना करना उसे ठीक करेगा, नहीं। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप देखो कि यीशु वहां पर उपस्थित है और यीशु उसको छू रहा है, यीशु उसे चंगा करता है। उसे बताओ कि भाई या बहन, आप जिसके लिए प्रार्थना करो उसे कहो कि यीशु आपको चंगा करेगा, यीशु यहां पर उपस्थित है। आप देखो कि यीशु उसे छू रहे हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करो। आप देखो कि जिस हाथों से आप उसे छू रहे हो वो आपके नहीं परंतु यीशु के हाथ है और वो उसे छू रहे हैं। और जब हमें ढाल ले, लव यू जीसस, वो भला है, वो कृपालु है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो प्रेमी परमेश्वर है। लव यू जीसस। गलत फहमी की है उसके बारे में, जब लोग भजन संहिता 23 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसके लाठी से हमें सहारा मिलता है, उसके लाठी से हमें शांति मिलती है। तो काफी लोगों ने ऐसे कहा कि जब हम गलती करते तो वो लाठी चलाता है ताकि हमें शांति मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं
कोई भी व्यक्ति मार खाते हुए शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन वो जो वचन है वो इसलिए लिखा है, अगर कोई जंगली जानवर भेड़ को खाने आता है तो चरवा उस लाठी का इस्तेमाल करता है उस जंगली जानवर को मारने के लिए, और भेड़ वो चीज देखकर आनंदित होता है कि हमारा चरवा हमारे साथ में, हमारा पिता हमारे साथ में। आइए पुत्र की मानसिकता में आ जाइए, पाप की मानसिकता से बाहर निकाल, अपने आप को पास पाप की मानसिकता से बाहर लेकर आए। शत्रु हमेशा आपके भूतकाल को आपको याद दिलाता है और कहता है कि देख तू गलत है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस क्रूस के लहू के द्वारा लव यू जीसस। पुत्र के मानसिकता में, पाप के मानसिकता में, पुत्र के मानसिकता में, वो आपका पिता है, वो आपको छोड़कर अलग नहीं रहता है, वो आपका पिता, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके करीब रहता है, वो आपसे अपेक्षा करता है कि वो आप हर रोज उससे आकर मिले, उसे बात करें, उसके नजदीक रहे,